रक्षा क्षेत्र में भारत तेजी से आगे बढ़ रहा है, जिसका एक कारण रक्षा क्षेत्र से जुड़े लिए गए बड़े फैसले हैं। अब इसी कड़ी में भारतीय वायुसेना ने बड़ा फैसला लिया। दरअसल भारतीय वायुसेना ने दुनिया की सबसे बड़ी मल्टी रोल फाइटर एयरक्राफ्ट MRFA खरीद में लड़ाकू विमानों की संख्या को आधा कर दिया है। पहले 114 फाइटर जेट्स खरीदे जाने थे, जो अब 57 रह गए हैं। इसके पीछे वजह ये है कि स्वदेशी रक्षा उद्योग को बढ़ावा दिया जा सके। अब भारतीय रक्षा कंपनियां ये काम पूरा करने वाली हैं। डिफेंस एग्जीबिशन प्रोसीजर 2020 के तहत 57 फाइटर जेट्स के लिए विदेशी कंपनियों को अपनी तकनीक भारतीय कंपनियों को ट्रांसफर करनी होगी। आत्मनिर्भर भारत प्रोजेक्ट के तहत ये फैसला लिया गया, ताकि रक्षा उत्पादों का आयात कम किया जा सके, साथ ही देसी रक्षा उद्योग को बढ़ावा मिल सके। बता दें, रक्षा आधुनिकीकरण के लिए घरेलू बाजार को सहारा और ग्रोथ देने के लिए ये योजना बनाई गई। सिर्फ इतना ही नहीं, भारतीय नौसेना पहले 57 डेक बॉन्ड विदेशी फाइटर्स खरीदने वाली थी, जिसे घटाकर अब 27 कर दिया गया है। मुद्दा ये नहीं है कि कटौती की गई, अब घरेलू रक्षा कंपनियों के लिए ये एक बड़ा मौका भी है और साथ ही साथ बड़ी चुनौती भी। भारतीय वायुसेना ने 114 फाइटर्स के लिए साल 2018 में वैश्विक कंपनियों से बात शुरू की थी। विदेशी कंपनियों में से लॉकहीड मार्टिन ने F-21, बोइंग ने F-15EX और FA-18 सुपर हॉर्नेट, डेसो रफाइल, साब ग्रिपेन, यूरोपियन कंसोर्टियम यूरोफाइटर, सुखोई S-35 और MiG-35 ने रुचि दिखाई थी। इससे पहले मीडिया मल्टी रोल कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट यानी MMRCA की खरीद के लिए 126 फाइटर जेट्स की डिमांड रखी गई थी, लेकिन ये सफल नहीं हो पाया। अंत में फ्रांस से 36 डेसो रफाइल फाइटर जेट खरीदे गए। विदेशी विमानों की खरीद के चलते भारतीय वायुसेना का ये सपना पूरा नहीं हो पाएगा, जो अगले 15 साल में 35 स्क्वाडन बनाने का था, क्योंकि विदेशी फाइटर जेट्स को भारतीय भौगोलिक स्थितियों और तकनीकी के अनुसार बदलना होता है। काफी ज्यादा समय और पैसा लगता है, फिर ट्रेनिंग का खर्च अलग है। इसे देखते हुए भारतीय वायुसेना को अगले कुछ दशकों में मिराज 2000, MiG-29 और जैगुआर फाइटर जेट्स को रिटायर करना है। MiG-21 के स्क्वाडन को 2024 तक खत्म करना है। फिलहाल अत्याधुनिक रफाइल के 2 स्क्वाडन सफलतापूर्वक काम कर रहे हैं। 2024 तक 83 लाइट कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट MK-1A मिल जाएंगे। LCA-MK2 और एडवांस्ड मीडियम कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट यानी AMCA इस दशक के अंत तक मिल जाएंगे। कुल मिलाकर ऐसे बहुत से फाइटर जेट्स हैं जो भारत के बेड़े को मजबूत करने वाले हैं, लेकिन विदेशी फाइटर जेट से अब इंडियन एयरफोर्स ने दूरी बनानी शुरू कर दी है, ताकि इंडिजीनियस वेपन को और ज्यादा सशक्त किया जा सके और आत्मनिर्भरता के साथ साथ आत्म सुरक्षा की तरफ बढ़ते भारत के कदम और भी ज्यादा मजबूत हो सके। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।